वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपडेट के बारे में, जो कि रेडमी नोट 7 प्रो में, तो यहाँ पे रेडमी नोट 7 प्रो में जो है 12.0.5.0 का आपको यहाँ पे अपडेट मिल चुका है। तो अगर आप यहाँ पे अपडेट में जाकर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आप कैसे अपडेट करें यहाँ पे विदाउट डेटा लॉस एंड यहाँ पे विदाउट बूट लोड अनलॉक किए, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है MIUI 12.0.5.0 उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये जो है एक OTA अपडेट है, उसके बाद जो है 12.0.5.0 एक रिकवरी रोम है, जैसे कि ये फुल अपडेट है, जो कि ये फुल अपडेट पैकेज है। तो आपको यहाँ पे फुल अपडेट पैकेज चूज कर लेना है, जो कि यहाँ पे आप OTA अपडेट करोगे तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे अपडेट कैसे करें उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट फोन में जाके MIUI वर्जन के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको अपडेट चेक करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बेशक अपडेट कर सकते हो, अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअल अपडेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, MIUI जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 12 के ऊपर आपको एक 10 बार टैप करना है, एडिशनल अपडेट फ्यूचर जो कि ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाना है, आपको यहाँ पे चूज अपडेट पैकेज यहाँ पे आपको जाना है। अगर आप OTA फाइल लेते हो तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, जो कि अनऑफिशियल बताया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके कारण आपको यहाँ पे क्या करना है, फुल जो रिकवरी रोम है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जो कि 2.22 आपको यहाँ पे GB का देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, आपका यहाँ पे जो है अपडेट यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा, वेरीफाई होने के बाद आप अपडेट यहाँ पे बेशक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे OTA लेते हो तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, आपको फुल यहाँ पे जो है रिकवरी रोम ले लेना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो रीबूट एंड अपडेट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसमें जो है आपका डेटा इरेज नहीं होगा, आपको यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, TWRP ज़रूरत नहीं है, उसके बाद रूट की भी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वे में जो है अपने डिवाइस में यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, जो कि 12.0.5.0। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ अपडेट कैसे करें, उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या चेंज लॉग देखने को मिल जाता है, अपडेट में जो है यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस मिलता है, सभी के बारे में यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि रेडमी का लोगो आ चुका है, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि अपडेटेड MIUI सक्सेसफुल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको चेंज लॉग देखने को मिल जाता है, जो कि अपडेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट फोन, और यहाँ पे जो है अबाउट फोन, और यहाँ पे 12.0.5.0 व्हाट्स न्यू में आप यहाँ पे देख सकते हो अपडेटेड, जो कि सिक्योरिटी पैच टू जनवरी। और यहाँ पे मैं एक फुल रिव्यू लेके आऊँगा, जो कि इस अपडेट में आपको यहाँ पे क्या क्या चेंज लॉग मिल जाता है, और यहाँ पे कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, एंटी डी बेंचमार्क स्कोर क्या है, सभी के बारे में यहाँ पे मैं एक वीडियो ला के बताऊँगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो जो है 1080 पिक्सल, उसके बाद जो है 4K में यहाँ पे बेशक आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड में, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक फुल रिव्यू लेके आऊँगा, और ये जो है रिकवरी रोम और उसके बाद जो यहाँ पे OTA फाइल का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बेशक यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने डिवाइस में आप अपडेट यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि Redmi Note 7 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।